तो दोस्तों एट लास्ट 4 घंटा का सफर के बाद रांची से डैड राजकमपुर हम लोग पहुंच ही गए। कोई तो थका नहीं है, ट्रेन में मस्ती करते हुए आए। दोस्तों फिर से आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में, और आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ नया सफर, नया जगह। तो वीडियो में बने रहिए, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और वीडियो देखिए। तो दोस्तों ये रहा मेरा ट्रेन आता हुआ, इसी ट्रेन में मेरे को जाना है। ठीक सेम टाइम पे ट्रेन भी प्लेटफॉर्म में पहुंचा और मैं भी सेम टाइम पे यही टाइम पे प्लेटफॉर्म में पहुंचा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, तो दोस्तों रांची से 9 बजे निकलने के बाद अप्रॉक्स 2 बजे हम लोग राजगमपुर पहुंचेंगे। खैर ट्रेन में थोड़ा बोरिंग लग रहा था, बट अभी मेरे साथ मेरे दोस्त लोग आ चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड था, हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ये लोग भी आने वाले हैं। फिर पता चला बाद में स्टेशन में मिले, ये लोग भी आ ही गया, तो बस सही है। तो दोस्तों 4 घंटे का जर्नी के लिए ये जेनी अपना घर से पूरा राशन पानी लेके आई है। आप खुद से सुन लीजिए क्या क्या लेके आई है, बताना जेनी क्या क्या लेके आई है। ओरियो वेफर लेके आई है, बाप रे पकौड़ी, लड्डू लेके आई है, और जेनी यहाँ पे मस्त हम लोग का मैच देख रही है। A few inches later. तो शर्त के मुताबिक इधर है फर्स्ट, इधर है सेकंड, और इधर है थर्ड, और ये है लास्ट। तो अभी इधर स्टेज रेडी है, ये है इसका स्टेज, मनोरंजन करेगी जल्दी, पधारिए स्टेज। घंटा के सफर के बाद रांची से डैड राजकमपुर हम लोग पहुंच ही गए। कोई तो थका नहीं है, ट्रेन में मस्ती करते हुए आए। अभी चलते हैं घर में, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं, फिर आपको राजकमपुर दिखाते हैं कैसा है, और साथ में भैया आए हुए हैं। तो दोस्तों ये है राजकमपुर का बस स्टैंड, देख सकते हैं आसपास कितना भीड़ लगा हुआ है। ठीक आपका लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये है बस स्टैंड, आपको जहाँ जाना है यहाँ पे बस आपको मिल जाएगा। और थोड़ा ये मार्केट एरिया भी है, तो आप देख सकते हैं ये है राजकमपुर का सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट, बहुत बड़ा ही फैक्ट्री है, और एरिया भी इसका बहुत ज्यादा फैला हुआ है। शायद ऊपर का चिमनी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये है बाईपास, इधर जाने से आपको रौरकेला मिलेगा, और आपका लेफ्ट साइड से रास्ता जा रहा है ये है संबलपुर। ये है ओसीएल मार्केट। तो दोस्तों ये है राजकमपुर का सेकेंड डे, और ये है सवेरे का नज़ारा, कुछ ऐसा है। दोनों तरफ ही हल्का हल्का कुहासा आपको दिख रहा होगा। फिलहाल अभी हम लोग एक नदी की तरफ जा रहे हैं, वो पिकनिक स्पॉट भी है, उस प्लेस का नाम है आमघाट, और जहाँ पे मैं स्टे किया था वहाँ से अप्रॉक्स 10-15 मिनट ही दूर था। फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक दूसरे वीडियो